ब्रेक के बाद खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है और इसका चुनाव काफी अहम मायने रखता है। साल 2017 से साल 2022 के शुरुआती दौर के बीच में यह 5 साल का कार्यकाल बृहन्मुंबई महानगर पालिका के मातहत आने वाले वार्डों के नगर सेवकों का पूरा हुआ और इसी के बीच अब चुनाव की तैयारियों में सभी दल के नेता जुट चुके हैं, लेकिन अब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में मुंबई में ऑल इंडिया ब्लू टाइगर ने भी आगामी मुंबई मनपा चुनाव के लिए अपना एजेंडा और अपनी रणनीति बनाने की शुरुआत कर दी है। ऑल इंडिया ब्लू टाइगर ने इस बार आम आदमियों से जुड़े मुद्दे को लेकर लोगों के घर घर जाने का संकल्प लिया है। चुनाव से पहले ही ऑल इंडिया ब्लू टाइगर पार्टी में शामिल हुए नेताओं को अहम पद और जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। हाल ही में ऑल इंडिया ब्लू टाइगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष विलास हरिभाऊ रूपवते ने बीजेपी छोड़कर ऑल इंडिया ब्लू टाइगर में शामिल हुए अतीक खान को राष्ट्रीय वाहतुक टाइगर सेना के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। वहीं इस मौके पर पूर्व नगर सेवक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नामदेव उबाड़े, राष्ट्रीय प्रवक्ता मंगेश पगारे और राष्ट्रीय सरचिटनीस विनोद मिश्रा की मौजूदगी में बड़ी संख्या में लोगों ने ऑल इंडिया ब्लू टाइगर में सदस्यता ली है। ऑल इंडिया ब्लू टाइगर इस बार जातिवाद छोड़ो और समाज जोड़ो इस नए नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरने का बीड़ा उठाया है। वाहतुक सेना के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालते ही अतीक खान ने मुंबई के ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों जो बैंकों से जिन्होंने कर्ज ली है, जिसकी ईएमआई से लोग परेशान हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अतीक खान ने कहा कि वे जल्द से जल्द लोगों का लोन माफ करने की मांग सरकार से करेंगे। यहाँ पे आज ऑल इंडिया ब्लू टाइगर के माध्यम से वाहतुक टाइगर सेना ओपनिंग किए गए और हमारे जो अतीक खान जी भाई है इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद नियुक्ति की। हर जो दुर्बल शोषित पीड़ित जो लोग हैं उनके ऊपर कोई काम नहीं कर रही, तो नवीन विचारधारा लेके हम लोग नया विचारधारा लेके हम लोग ऑल इंडिया ब्लू टाइगर ओपनिंग किए और ये माध्यम से हमने पूरे ऑल इंडिया में संगठन चालू किया है। हर समाज को जवाबदारी दे रहे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद से ऑल इंडिया ब्लू टाइगर में लोग प्रवेश कर रहे। जैसे अतीक भाई जी ये पहले भारतीय जनता पार्टी के वाहतुक सेने के महाराष्ट्र के सरचिटनीस थे, आज उन्होंने अलग पार्टी छोड़ के बड़ी पार्टी छोड़ के एक ऑल इंडिया ब्लू टाइगर में बड़ी जवाबदारी उनको दी है, क्योंकि उनको मालूम है कि बड़ी पार्टी रहते छोटे जो कार्यकर्ते रहते हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देते और ये छोटे लोग ही काम करते हैं। जो ग्रास रूट पे कार्यकर्ता काम करते तभी नेता बड़ा होता है। तो वो हिसाब से हम लोग ने ऑल इंडिया ब्लू टाइगर की पूरी यहाँ पे जो टीम है हमारी यहाँ पे लीडर लोग हम और पूरे ऑल इंडिया में हमारा संगठन का बहुत बड़ा काम चल रहा है और आने वाले महानगर पालिका में हम लोग सबके सब मुंबई में सीट चुनाव लड़ने जा रहा है और नासिक में जा रहा है, पुणे जा रहा है, थाना जा रहा है, एक तरफ से हमारी ताकत महानगर पालिका में दिख गए। कोई भी पार्टी ने किसी रिक्शा टैक्सी चालक के बारे में सोचा नहीं है। बीजेपी वाले क्या करते हैं, अगर उनके कोई खिलाफ जाता है तो वो एडी की गोली मारते हैं, जैसा तालिबान की बात नहीं सुनते वो गोली मारते। आप शिवसेना और बीजेपी की लड़ाई में आम जनता परेशान है, तो उसके अंदर वाहतुक का ट्रांसपोर्ट रिक्शा वाले लोग की हालत इतनी बुरी कि उनके बारे में कोई सुन रहा नहीं। अभी शिवसेना ने 1500 रुपये डिक्लेयर करी, आज 4 महीना हो गया है 1500 रुपये किसी के अकाउंट में आया नहीं। उल्टा साइबर कैफे वाले का फायदा हो गया कि 100 रुपया लोग 50 रुपया लोग फॉर्म भर के ले रहे लेकिन उनके अकाउंट में आज तक 1500 रुपये नहीं आया। तो ऐसी पार्टी के अंदर काम करके कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैंने ऑल इंडिया ब्लू टाइगर में आया। जातिवाद छोड़ो, समाज जोड़ो।